कैसरगंज वाले बीजेपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं, ये बात अभी पर्दे में है। बीजेपी में चुप्पी है, कैसरगंज में भौकाल। भौकाल है सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। टिकट तो नहीं मिला, लेकिन सांसद महोदय ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। पिछले दिनों एक पत्रकार ने पूछा कि आपको टिकट मिल रहा है, तो सांसद जी बोले, काटेगा कौन, कौन काट रहा है टिकट। सांसद जी का ये टकासा जवाब पत्रकार के लिए नहीं, बीजेपी हाई कमान के लिए था। आज के इस वीडियो में हम आपको कैसरगंज का गणित समझाने जा रहे हैं कि बीजेपी ने यूपी की 78 सीटों पर तो उम्मीदवार उतार दिए, कैसरगंज और रायबरेली में आखिर अब तक क्यों नहीं उतारा। रायबरेली तो समझा जा सकता है, मगर आज के इस वीडियो में आप कैसरगंज को समझिए। कद और समीकरण के आधार पर कैसरगंज सीट सियासत में अहम स्थान रखती है। जनता ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर लंबे समय तक विश्वास जताया। सीट का पुनर्गठन होने के बाद 2009 से अब तक लगातार बृजभूषण शरण सिंह को ही जनता जिता रही है। एक बार सपा से व दो बार बीजेपी से वे सांसद हैं। हाल ही में महिला पहलवानों के आरोपों में बृजभूषण घिरे तो क्षेत्र की जनता ने उनका साथ भी दिया। इस बीच बीजेपी से टिकट कटने और फिर देर से मिलने के कयास शुरू हो चुके हैं। अंदर खाने से यह भी सामने आ चुका है कि पत्नी या बेटे को चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। कैसरगंज सीट पर चुनाव से पहले टिकट की जंग अब रोचक ही नहीं, रोमांचक भी होती चली जा रही है। क्षेत्र के दो विधायकों को भी सूची का बेसब्री से इंतजार है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की आंखें किसी और को खोज रही हैं। इसके लिए एक टीम क्षेत्र के मतदाताओं की नब्ज टटोलने के साथ ही टिकट के असर के हर पहलुओं को परख रही है। वर्तमान में कई नेता बीजेपी हाईकमान के संपर्क में। मंडल की चारों सीटों पर मुख्यमंत्री की पसंद को भी भाजपा संगठन महत्व दे रहा है। तीन सीटों पर तो टिकट तय हो गया है, लेकिन कैसरगंज का टिकट फंसने के पीछे कई तर्क भी दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बतौर सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कई मुद्दों पर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए थे। इससे भले ही उनकी साख बड़ी हो, लेकिन सरकार की नजरें टेढ़ी हो गईं। हरियाणा और जाट बहुल क्षेत्रों की सीट पर टिकट से होने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सांसद के समर्थक जरूर मानते हैं कि हो चाहे जो भी, चुनाव बृजभूषण ही लड़ेंगे, टिकट भी मिलने की पूरी उम्मीद जता रहे हैं। साल 1991 से संसद पहुंचने वाले बृजभूषण शरण सिंह अब तक 7 बार खुद चुनाव लड़े और 6 बार जीते। वहीं एक बार उनकी पत्नी केतकी सिंह ने जीत दर्ज की। इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम लग्जरी वाहन है। बेटा विधायक है। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से पूरे देश में अलग पहचान है। कैसरगंज में लगातार 3 बार से सांसद होने से आम लोगों के बीच पैठ है। मगर पहलवानों के मुद्दे पर नाम खराब हुआ, जो बीजेपी की आंखों में भी खटक रहा है। बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को तौल रही है और बृजभूषण बीजेपी को।